टीकमगढ़ की विधि जैन शनिवार को सकुशल अपने घर पहुंच गई। एक दिन पहले ही वह यूक्रेन से निकलकर दिल्ली पहुंची थी, जबकि टीकमगढ़ की दो छात्राओं के माता पिता को अपनी बेटियों के लौटने का अभी भी इंतजार है। टीकमगढ़ के व्यापारी संतोष जैन की बेटी विधि जैन साल 2018 में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। इस साल जनवरी माह में वह टीकमगढ़ आई थी और फरवरी में वापस यूक्रेन लौट गई। विधि ने बताया कि वह MBBS फोर्थ ईयर की छात्रा है। करीब 15 दिन पहले जैसे ही यूक्रेन में हालात खराब हुए तो उन्होंने 14 फरवरी को वापसी का रिजर्वेशन करा लिया था। बेटी के घर वापसी पर परिजनों ने खुशी में बेटी का मुंह मीठा कराकर मनाई खुशियां। घर में मिलने वालों का तांता लगा, लेकिन 23 फरवरी को अंतिम फ्लाइट से वे भारत लौट पाई। कजाकिस्तान होते हुए 25 फरवरी को ही वे दिल्ली पहुंची थी और आज टीकमगढ़ अपने घर आ गई। बेटी के सकुशल घर लौटने पर घर में खुशी का माहौल है। विधि ने बताया कि 14 फरवरी को जब उन्होंने लौटने का फ्लाइट टिकट कराया था तब करीब 23,000 में मिला था, लेकिन अगले दिन से ही फ्लाइट की टिकट 50,000 से ज़्यादा हो गई थी। विधि जैन ने बताया कि 23 फरवरी को मेरी फ्लाइट रात 9 बजे की थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट डिले हो गई। यह सुनते ही मैं टेंशन में आ गई। आखिरकार रात 1 बजे फ्लाइट क्लियर हुई, इसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना हो सकी। उन्होंने बताया कि इंतजार के वो 4 घंटे बड़े मुसीबत भरे रहे। उस टाइम पर तो जब मैं यहाँ पे वापस आई थी, मेरी सुबह 23 तारीख को सुबह 7 बजे की बस थी, मैं वहाँ से निकली और मैं 6 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच गई थी। उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, कुछ भी इतना पैनिक नहीं था, कुछ भी अटैक की सिचुएशन नहीं थी ना कोई। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुँची, उसके बाद हाँ, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि रेड अलर्ट स्टार्ट हो गया, वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मतलब वॉर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं तो, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी है। और मेरी फ़्लाइट हो गई थी रात में, रात में 9:40 की फ़्लाइट थी, तो वो हो गई थी रात के 1:50 की अगले दिन की सुबह फ़्लाइट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि मतलब फ़्लाइट कहीं कैंसिल ना हो जाए, या फिर क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी वहाँ पे। तो फिर जैसे ही मैंने बोर्डिंग की और मैं वहाँ से बोर्डिंग करके मैं इंडिया लैंड कर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे 24 तारीख को शाम में 7 बजे। मैं यूक्रेन में खार्किव में पढ़ती हूँ, वहाँ पे लगभग 5,000 से लेके 8,000 इंडियन छात्र हैं। उसके अलावा मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं वहाँ पे, टीकमगढ़ के भी दोस्त हैं और ख़ासकर ऑल अलग अलग कंट्री के, अलग अलग इंडिया के, अलग अलग स्टेट के दोस्त हैं, सारे वहाँ पे फंसे हुए हैं मेट्रो में, कुछ मेट्रो में रह रहे हैं, कुछ बंकर्स में रह रहे हैं, उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, सप्लाइज़ और ना इलेक्ट्रिसिटी, मेट्रो में ठंड है, -2 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे बाहर, और ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है, ना खाने पीने की कुछ है, मार्केट्स मॉल्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं, ना उनके पास पीने का पानी कुछ भी नहीं है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नहीं, हम लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा यही बोला गया था कि यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, लेकिन इंडियन एम्बेसी से 15 तारीख को नोटिस आया था कि यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। तो उसी दिन काफ़ी बच्चों ने इंडियन एम्बेसी की बात सुन के टिकट करवाई, लेकिन काफ़ी बच्चे इस चीज़ में थे कि यूनिवर्सिटी फिर भी बोल रही क्लासेस लगेगी, ऑफलाइन ही लगेगी, कुछ भी नहीं हो रहा, तो काफ़ी बच्चों ने तब टिकट नहीं करवाई थी। फिर यूनिवर्सिटी वाले बोलते जा रहे थे क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, काफ़ी बच्चे इस वजह से काफ़ी बच्चे वहाँ पर अभी भी अटके हुए हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।